नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी कब करनी चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं जो कि मैंने आज तक पीएचडी वाले लोगों से बात करने के बाद जो मेरे व्यूज फॉर्म हुए हैं उसके बेसिस पे मैं आज आपसे बात करूंगा। हो सकता है कि आपके सर्कमस्टांसेस कुछ और हों, आपकी नीड्स कुछ और हों, बट मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि कब आप एक्चुअल में तैयार हैं पीएचडी के लिए। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने भी बैचलर्स के बाद मास्टर्स किया है उसको पीएचडी करनी ही करनी है। बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पीएचडी के लिए बने हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीएचडी के लिए नहीं बने हैं। तो कब आप खुद को तैयार मानोगे कि हाँ, अब मैं पीएचडी करने के लिए तैयार हूँ, उस चीज़ के बारे में हम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मोस्टली लोग कब पीएचडी करते हैं, क्योंकि उनको मास्टर्स कोर्स के बाद जॉब नहीं मिलती, तो इमीडिएट सामने जो उनके पास सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि वो चलो पीएचडी कर लेते हैं। शायद पीएचडी के बाद उनको ये लगता है कि शायद पीएचडी के बाद उनको जॉब मिल जाएगी। या फिर लोग पीएचडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएचडी में जो स्टाइपेंड है वो एंट्री लेवल जॉब की सैलरी से हायर है। ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं कि आजकल लोग इन तीन वजहों से पीएचडी कर रहे हैं, बट ये वजहें उसके लायक नहीं है कि पीएचडी क्यों किया जाए। आप पीएचडी तब करें जब आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन तैयार है, आपको स्पेसिफिक है कि आपके मन में क्या ऐसा सवाल है या क्या ऐसी चीज़ है आप जिसका आंसर आप ढूंढना चाह रहे हैं, तभी पीएचडी के लिए जाएं। एक चीज़। तो दूसरी चीज़, आपके पास जिस फील्ड में आपको आपको रिसर्च करनी है उसी फील्ड का आपका आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, तभी आप पीएचडी में जाएं। अगर नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो एक्सपीरियंस को गेन करें। अब बात आती है कि कैसे किया जाएगा। आप चाहे तो किसी प्रोजेक्ट में एसोसिएट हो जाएं या फिर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट बने। उससे क्या होगा कि आपको उस फील्ड का एक बेसिक आइडिया भी आ जाएगा और आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द पीएचडी। नेक्स्ट चीज़, आपको जो काम आप करना चाह रहे हैं उस काम की मेथडोलॉजी के बारे में आपको पता हो कि हाँ मुझे मेरी पीएचडी में ये काम करना है और ऐसे करना है। जब आपको ये स्पेसिफाइड हो जाए तभी आप पीएचडी करने के लिए जाएं। और आपको ये काम के बाद क्या आउटपुट आएगा, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, वो चीज़ भी मालूम हो। और लास्टली, आपको उसी फील्ड में कम से कम एक रिसर्च या फिर रिव्यू आर्टिकल आपने लिखा हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आजकल लोग क्या बोलते हैं कि हमारा गाइड हमें पीएचडी में एक्सेप्ट करने के लिए मान नहीं रहा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपके पास ये पांच चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कही हैं, आपके पास आपका रिसर्च क्वेश्चन तैयार है, उसी फील्ड में आपने पहले भी काम किया है, आपको मेथडोलॉजी मालूम है कि कैसे काम करना है, आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट का भी आइडिया है और कम से कम एक आर्टिकल आपने लिख लिया है, तो आप जिस भी गाइड के पास आप जाएंगे या जिस भी प्रोफ के पास आप जाएंगे कि हाँ मुझे आपके अंडर पीएचडी करनी है और ये पांच चीज़ें आपके पास तैयार हैं, वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप किसी गलत गाइड के पास नहीं गए। सो दिस इज द थिंग, जब आपके पास ये पांच चीज़ें तैयार हों तभी आप पीएचडी करने जाएं। उससे पहले मेरी ये आपसे ना रिक्वेस्ट है कि पीएचडी करने मत जाएं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर तो आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को
लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको एक फ्री ईबुक चाहिए जो कि मैंने ही लिखी है अबाउट थिंग्स टू नॉट डू ड्यूरिंग द पीएचडी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहें तो मेरे इस काम को आप डोनेट भी कर पाएंगे, उसका लिंक भी है। और आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। एंड टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।